खबर सागर जिले के रेहली से है, जहां 23 करोड़ की लागत से बने अटल सेतु का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण कार्यक्रम में पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव मौजूद रहे। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अटल सेतु रेहली की जीवन रेखा है और जीवन रेखा के माध्यम से रेहली विधानसभा क्षेत्र आवागमन के मामले में किसी भी महानगर से पीछे नहीं रहेगा। रेहली क्षेत्र को स्मार्ट से स्मार्ट सिटी बनाने के लिए संकल्पित है। रेहली में उद्यानिकी महाविद्यालय शुरू किया जाएगा, जिसके लिए 5 करोड़ की राशि आरंभिक तौर पर स्वीकृत हो गई है। यह महाविद्यालय प्रदेश का दूसरा महाविद्यालय होगा। उन्होंने कहा कि नौरादेही अभ्यारण्य को प्रदेश व देश का सर्वश्रेष्ठ अभ्यारण्य बनाया जाएगा। नौरादेही अभ्यारण्य में चीते के साथ वन्य प्राणी भी लाने की तैयारी की जा रही है। इस अभ्यारण्य में पर्यटकों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए सभी मूलभूत सुविधाएं, विश्राम गृह, होटल व अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। मंत्री भार्गव ने कहा कि अटल सेतु बन जाने से रेहली के लोग नदी के उस पार और नदी के उस पार के लोगों को रेहली आने में आसानी होगी। बारिश के मौसम में नदी में उफान आने पर आवागमन बंद नहीं होगा और लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अटल सेतु के आगे 7 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक सड़क तैयार की जा रही है, जिसको देखने बाहर से लोग आएंगे। मुख्य सचिव संजय खांडे ने कहा कि रेहली विधानसभा क्षेत्र का अटल सेतु प्रदेश का पहला अत्याधुनिक पुल है, जिसको गति, पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ तैयार किया गया है। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष देवराज सोनी, सुशील हजारी, अनुविभागीय अधिकारी गोविंद दुबे, तहसीलदार संदीप तिवारी, अशोक चौरसिया, हरिशंकर जायसवाल, साधना सिंह आदि मौजूद थे।